नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UK वीडियो वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चौली की जाली के पीछे के कुछ रहस्य और वहां पर प्रचलित एक अनूठी मान्यता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चौली की जाली या चौथी जाली मुक्तेश्वर मंदिर के बाजू में स्थित एक बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। लेकिन एक पर्यटन स्थल के अलावा इसके पीछे एक अनोखी मान्यता जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर निसंतान महिलाएं आकर अगर चौली की जाली में से गुजर जाती हैं, उस प्राकृतिक छिद्र को पार कर लेती हैं, तो उन्हें निश्चित ही संतान की प्राप्ति ज़रूर होती है। लोगों की यह मान्यता है कि यहाँ पर बने हुए छिद्र में से महिलाएं अगर सच्चे मनोकामना से इसे पार करती हैं तो उन्हें भोले के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति ज़रूर होती है। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्या है चौली की जाली में। तो चौली की जाली मुक्तेश्वर मंदिर से 250 मीटर की दूरी पर स्थित है। चौली की जाली के बारे में बताने से पहले हम आपको मुक्तेश्वर के शिवजी मंदिर के बारे में भी बता देते हैं। मुक्तेश्वर में शिवजी का एक 350 साल पुराना भव्य मंदिर है जो कि पहाड़ी के ऊपर है और 2315 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 100 सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है और इसी मंदिर के पास चौली की जाली भी है। इसी का प्राचीन नाम चौथी जाली है, तो लोग इसे चौली की जाली या चौथी जाली के नाम से बुलाते हैं। ये भी पहाड़ की चोटी पर स्थित है और यहाँ से घाटी का बेहद मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। कुछ लोग यहाँ पर घूमने भी आते हैं और एडवेंचर के शौकीन लोग यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग जैसी एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन हर शिव मंदिर में पूजन किया जाता है। सबकी इसके प्रति अपनी अपनी मान्यता होती है जिस कारण लोग उन्हें पूजते हैं। आज हम अपनी वीडियो में आपको एक ऐसी ही जगह के बारे में बता रहे हैं जहां पर महाशिवरात्रि के दिन महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। जी हाँ, ये है चौली की जाली जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया कि वहाँ महिलाओं की भीड़ किस वजह से उमड़ती है। जो महिलाएं संतान सुख से वंचित होती हैं वो यहाँ आकर स्वयं भगवान शिव से वरदान पा सकती हैं। शिवरात्रि के पर्व में आस्था का ये अनोखा मंजर सामने आता है जब मुक्तेश्वर के चौली की जाली नामक पर्यटक स्थल पर सैकड़ों की तादाद में शादीशुदा महिलाएं जो किसी भी कारण से संतान सुख प्राप्त नहीं कर पा रही होती हैं अपनी कामना को साथ लेकर चट्टान पर बने इस प्राकृतिक छिद्र को पार करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चट्टान के दूसरी छोर पर सिर्फ और सिर्फ खाई है और पत्थर का जो छेद है वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। लेकिन कहते हैं ना, आस्था के आगे डर कुछ नहीं होता। आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है, इसी वजह से सुरक्षा के कोई इंतज़ाम ना होते हुए भी महिलाएं इस क्षेत्र को बड़ी आसानी से अपनी पूरी आस्था के साथ
पार कर जाती है। ऐसी धारणा है कि जिन महिलाओं को संतानोत्पत्ति नहीं हो पाती है, अगर वे शिवरात्रि के दिन इस छिद्र से होकर गुजर जाती हैं, तो स्वयं भोलेनाथ उन्हें संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और कई सारी महिलाओं का ये कहना है कि ये बात एकदम सच साबित हुई है, क्योंकि उन्हें इसी प्रकार जो है संतान की प्राप्ति हुई है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि एक चट्टान पर इस तरह का छिद्र कैसे हुआ, तो चलिए उस बारे में भी आपको बताते हैं। चट्टान पर हुआ जो छिद्र है, उसके बारे में कई तरह की किंवदंतियाँ जो हैं मौजूद हैं। तो उनमें से एक किंवदंती ये कहती है कि यहाँ पर देवी और राक्षस के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध के कुछ प्रमाण जैसे कि ढाल, हाथी की सूंड और तलवार की हल्की रेखा आज भी इस स्थान पर देखी जाती है। यहाँ की जो चट्टानें हैं उनकी प्राकृतिक विशिष्ट शैली से एक किंवदंती जुड़ी हुई है। और एक दूसरी किंवदंती भी है इसमें, जिसके कारण कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान कुछ भक्त एक बड़ी चट्टान के कारण यहाँ फंस गए थे और उन्होंने सहायता के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने गुरु को निर्देश दिया कि चट्टान पर वो चार बार प्रहार करें, और जब गुरु ने चौथी बार चट्टान पर प्रहार किया तो चट्टान की सतह पर एक छेद बन गया और उसके बाद से इस जगह का नाम चौथी जाली के रूप में मशहूर हो गया। और वही चौथी जाली आज के समय में चौली की जाली के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा भी एक पुस्तक मुक्तेश्वर महामात्य की कहानियों पर अगर हम जाते हैं तो उसमें इस छिद्र के बनने का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है कि जब सैम देवता अपने गणों के साथ हिमालय की ओर जा रहे थे तो रास्ते में चौली की जाली की चट्टानें उनके सामने आ जाती हैं। उधर शिवजी भी उस वक्त चट्टान में धुनी रमाए बैठे होते हैं और सेम देवता उनको देखकर उनसे मार्ग देने का आग्रह करते हैं। लेकिन चूंकि भोलेनाथ तपस्या में बेहद लीन होते हैं, वे सेम देवता का आग्रह नहीं सुन पाते हैं। ये देखकर सेम देवता क्रोधित हो उठता है और अपने अस्त्र से चट्टान पर प्रहार कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा छिद्र हो जाता है। उसके बाद वे अपने गणों के साथ गंतव्य को रवाना हो जाते हैं। तो इस तरह की कुछ किंवदंतियाँ जो हैं इस छिद्र से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा एक और कहानी ये कहती है कि महाभारत काल में जब पांडव वन गमन पर थे तो भीम ने अपनी गदा से समय व्यतीत करने के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने अपनी शक्ति को भी इस चट्टान पर परखा तो इस चट्टान में जो है एक गोलाकार सा छेद उभर आया। खैर, ये तो इससे जुड़ी कुछ किंवदंतियाँ थी, लेकिन इसके अलावा किस्से कहानियाँ और जनश्रुतियों को अगर हम कुछ अलग रखकर साइंटिफिक दृष्टि से इस छिद्र के बनने का कारण सोचते हैं तो वायु अपरदन इस छिद्र का निर्माण होने का एक प्रबल कारण हो सकता है, क्योंकि इस एरिया में वायु का जो प्रबल दबाव बहुत ज़्यादा है। तो ये कहना है मुक्तेश्वर में स्थित जो चौली की जाली है का ये छिद्र अपने आप में ही अनूठा है और लोग ये विश्वास करते हैं कि यहाँ पर आज भी कई सारी दिव्य शक्तियों का निवास है। स्वयं शिवजी ने यहाँ पर बैठकर घंटों तपस्या की थी और वे तपस्या में लीन रहे थे। इस वजह से आज भी चौली की जाली की चट्टानों में अलौकिक शक्तियों का वास है और उसी का नतीजा है कि आज तक शिवरात्रि पर इतनी भारी भीड़ होने के बाद भी ना तो कोई हादसा होता है, यहाँ तक कि इतने छोटे छेद को भी महिलाएं बड़ी आसानी से पार कर जाती हैं और उस छेद को पार करते वक्त भी आज तक कोई हादसा नहीं हुआ, चाहे महिला स्थानीय हो
या फिर कहीं बाहर से आई हो, बहुत आसानी से छिद्र को पार कर लेती है। और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर दिल में सच्ची श्रद्धा होती है तो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। तो ये थी चौली की जाली से जुड़ी हुई कुछ किंवदंतियाँ। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस पर कितना यकीन करते हैं, साइंटिफिकली आप इस पर यकीन करते हैं या फिर दूसरी किंवदंतियों पे। तो दोस्तों, ये थी चौली की जाली के पीछे जुड़े रहस्य और उससे जुड़ी कुछ किंवदंतियाँ। तो इसी तरह नए नए रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।